दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि जब मगरमच्छ अपने जबड़े से किसी चीज को पकड़ता है तो उसका छूटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि हाथी और शेर जैसे जानवर भी मगरमच्छ से पंगा लेने से डरते हैं। लेकिन इस बार मगरमच्छ को नहीं मालूम था कि उसने एक गलत अपोनेंट से पंगा ले लिया है। मगरमच्छ के आज भले ही दुनिया का सबसे मजबूत जबड़ा मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रिक ईल के पास उससे भी खतरनाक हथियार मौजूद होता है। जैसे मगरमच्छ ने इलेक्ट्रिक ईल को अपने जबड़े में पकड़ा, वैसे इलेक्ट्रिक ईल ने अपने शरीर से जोरदार करंट को रिलीज कर दिया। महज कुछ ही सेकंड के भीतर मगरमच्छ तेजी से छटपटाता हुआ शांत हो गया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अचानक ही मगरमच्छ पलट गया, उसका दम निकल गया। आज के इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं क्या होता है जब पानी का राक्षस मगरमच्छ गलत अपोनेंट से पंगा ले लेता है। इनमें से कुछ वीडियो क्लिप तो ऐसे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरियाई घोड़ा। दोस्तों, मगरमच्छ के जबड़े की मजबूती को देखकर लोग भले ही मगरमच्छ को पानी का राक्षस बोलते हैं, लेकिन उसी पानी में एक और जानवर होता है जिसे देखकर खुद मगरमच्छ भी भाग खड़ा होता है, और उस जानवर का नाम है दरियाई घोड़ा, या फिर कहें तो हिपोपोटामस। दोस्तों, दरियाई घोड़े के शरीर का बाहरी परत या फिर कहें तो चमड़ी इतनी मोटी होती है कि मगरमच्छ उसे पकड़ ही नहीं पाता, और वहीं दूसरी तरफ दरियाई घोड़े का जो जबड़ा होता है वो इतना मजबूत होता है कि कभी कभी मगरमच्छ को दो टुकड़ों में काट देता है। जैसे कि इस वीडियो में देखिए, ये भूखा मगरमच्छ दरियाई घोड़े का शिकार करने के लिए उसके बीच में चला गया, लेकिन उसे कहां पता था कि दरियाई घोड़ा मगरमच्छ को ही फुटबॉल की तरह उठा उठा कर फेंकने लगेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दरियाई घोड़े कैसे मगरमच्छ को उठा उठा कर एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। घोड़ा। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि जब मगरमच्छ भूखा होता है तो अपने शिकार के पास आने के इंतजार में घंटों तक बिल्कुल एक जगह पड़ा रह जाता है, और जैसे ही शिकार उसके करीब आता है मगरमच्छ एक झटके में अपना काम कर देता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर ये मगरमच्छ जो है घोड़े के पास आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन घोड़ा अच्छी तरह से जानता था कि मगरमच्छ किस चीज के इंतजार में बैठा है। यही वजह है कि अचानक घोड़ा तेज रफ्तार से मगरमच्छ के ऊपर ही कूदना शुरू कर देता है और एक के बाद एक मगरमच्छ के ऊपर लातों की बारिश कर देता है। यकीनन अब मगरमच्छ दोबारा घोड़े के चक्कर में तो नहीं पड़ेगा। अजगर। दोस्तों, एक तरफ है दुनिया का सबसे तेज पकड़ वाला जबड़ा और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे मजबूत जकड़ने वाली कुंडली, यानी कि एक तरफ मगरमच्छ, दूसरी तरफ अजगर। दोस्तों, कभी कभी मगरमच्छ को जब ज्यादा भूख लग जाती है तब वो अजगर को भी अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटता, लेकिन मगरमच्छ जब भी ऐसा करने की कोशिश करता है अजगर उसे अपनी कुंडली में लपेट लेता है। और ये तो आप जानते हैं कि अजगर की कुंडली से छूट पाना असंभव है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख लीजिए। एक मगरमच्छ वहां पर जाकर अजगर के अंडे को अपना शिकार बनाता है, लेकिन तभी मौके पर अजगर भी पहुंच जाता है और मगरमच्छ अजगर के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन समय रहते कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और मगरमच्छ अजगर को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, वरना इस बार भी मगरमच्छ का गेम ओवर हो जाता। मगरमच्छ। दोस्तों, मगरमच्छ इतने खतरनाक होते हैं कि कभी कभी वो अपनी प्रजाति के दूसरे मगरमच्छ को भी अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बहुत बड़े मगरमच्छ होते हैं, यानी जो एडल्ट मगरमच्छ होते हैं, वो कभी भी अपने ही आकार के दूसरे मगरमच्छ पर हमला नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि एक दूसरे से लड़कर कोई फायदा नहीं। लेकिन कभी कभी जब मगरमच्छ को बहुत ज्यादा भूख लगती है तब वो अपने से छोटे आकार के मगरमच्छ को भी अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं चूकता। अब जैसे कि इस वीडियो में देख लीजिए, यहाँ पर ये छोटा मगरमच्छ गलती से अपने से बड़े आकार के मगरमच्छ के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन तभी बड़ा मगरमच्छ एक झटके में ही छोटे मगरमच्छ को अपने जबड़े में दबोच लेता है। जगुआर। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जगुआर कार के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक जगुआर की बात बता रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जगुआर भले ही जमीन पर रहता लेकिन उसे पानी में भी शिकार करना बहुत अच्छी तरह से आता है। यही वजह है कि मगरमच्छ कभी भूलकर भी जगुआर के ऊपर हमला नहीं करता, लेकिन इस बार जगुआर ही अलग मूड में था और मगरमच्छ को दबोचने के लिए पानी में कूद जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही जगुआर पानी में कूदता है वो तुरंत मगरमच्छ को उसके गर्दन के नीचे से पकड़ लेता है, और जगुआर मगरमच्छ को तब तक अपने मुंह में पकड़े रहता है जब तक मगरमच्छ की सांसें थम नहीं जाती, और उसके बाद इतने भारी भरकम मगरमच्छ को उठाकर जगुआर जंगल की तरफ निकल जाता है। हाथी।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छ कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े जानवर हाथी पर भी हमला कर देता है। दरअसल होता यह है कि मगरमच्छ पानी में रहता है और उसे मालूम होता है कि जिसे भी प्यास लगेगी वो यहाँ जरूर आएगा और वो पानी के नीचे बिल्कुल शांति से छुप कर बैठ जाता है। जैसे ही वहाँ पर हाथी आता है और पानी पी रहा होता है तभी मगरमच्छ हाथी के सूंड पर हमला कर देता है। दोस्तों मगरमच्छ हाथी के सूंड पर इसलिए हमला करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये अंग बहुत कमजोर है, क्योंकि हाथी के सूंड में कोई भी हड्डी मौजूद नहीं होती। लेकिन मगरमच्छ को मालूम नहीं होता है कि हाथी का सूंड ही उसका सबसे मजबूत अंग भी है। फिर क्या था, हाथी अपने सूंड को उठा उठा कर पटकना शुरू कर देता है और इतनी तेजी से पटकता है कि मगरमच्छ बेचारा 2-4 पटका खाने के बाद वहां से भाग जाता है। वाइल्ड बीस्ट। दोस्तों वाइल्ड बीस्ट एक ऐसा जानवर जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। दोस्तों वाइल्ड बीस्ट अफ्रीका के जिस इलाके में रहता है वहां पर साल का एक वक्त ऐसा आता है जब पूरी तरह से सूखा पड़ जाता है। यही वजह है कि वहां मौजूद लाखों की तादाद में वाइल्ड बीस्ट पानी के लिए दूसरे इलाके में भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी वक्त बीच में एक नदी आती है जिसे पार करना होता है और वो हर साल उस नदी में हजारों की तादाद में मगरमच्छ पहुंच जाते हैं वाइल्ड बीस्ट की दावत उड़ाने। जैसा कि इस वीडियो में देख लीजिए, यहाँ पर नदी को पार करते वक्त मगरमच्छ एक वाइल्ड बीस्ट की टांग पकड़ लेता है। वाइल्ड बीस्ट अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। लेकिन उसे मरता हुआ देख हिप्पोपोटामस के अंदर का भगवान जाग जाता है। फिर क्या था, हिप्पोपोटामस दौड़ता हुआ आता है और मगरमच्छ के ऊपर हमला कर देता है। मगरमच्छ अपनी जान बचाने के लिए वाइल्ड बीस्ट को छोड़ देता है और वाइल्ड बीस्ट की जान बच जाती है। शेर। दोस्तों कुछ मगरमच्छ कभी कभी इतनी बेवकूफी करते हैं कि वो जंगल के राजा शेर के ऊपर भी हमला कर देते हैं। जैसे कि इस वीडियो में देख लीजिए, यहाँ पर एक नदी बह रही है जिसकी गहराई बहुत कम है। कुछ शेर वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं और मगरमच्छ उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो शेर मगरमच्छ को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन अचानक से वहां मौजूद तीनों शेर मगरमच्छ के ऊपर टूट पड़ते हैं। मगरमच्छ को समझ में आ जाता है कि उसने गलत अपोनेंट से पंगा ले लिया है। इस नजारे को देखकर तो यही लग रहा है कि बस मगरमच्छ कुछ मिनटों का मेहमान है। जंगली सुअर। दोस्तों मगरमच्छ भले ही दुनिया का सबसे मजबूत जबड़े वाला जानवर हो, लेकिन जंगली सुअर को दुनिया के सबसे फुर्तीला जानवर में से एक माना जाता है। यही वजह है कि मगरमच्छ जब भी जंगली सुअर के ऊपर हमला करता है जंगली सुअर बचकर निकल जाता है। लेकिन इस बार मगरमच्छ ने जंगली सुअर के कुछ बच्चों के ऊपर हमला कर दिया और आप तो जानते हैं कि अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ बाप क्या नहीं करते। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ही मगरमच्छ जंगली सुअर के बच्चों के ऊपर हमला करता है, जंगली सुअर बड़ी तेजी के साथ पलटवार करते हुए मगरमच्छ के ऊपर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देते हैं। अब मगरमच्छ को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो शिकार करे तो करे किसका। जंगली भैंसा। दोस्तों झुंड में होने के बाद जंगली भैंसे इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उनके सामने शेर भी आने से डरते हैं। लेकिन जब कभी जंगली भैंसा पानी पीने के लिए आता है तब मगरमच्छ इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी मगरमच्छ ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ गलती कर बैठा। पहले तो मगरमच्छ पानी पी रहे एक भैंस को पकड़ लेता है, लेकिन भैंसा पूरी ताकत के साथ खींच कर मगरमच्छ को ही बाहर ले आता है। और मगरमच्छ जैसे ही देखता है बाहर एक नहीं बल्कि भैंसों की पूरी फौज खड़ी है, मगरमच्छ बड़ी चालाकी से वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे मगरमच्छ, जिसे पानी का बादशाह कहा जाता है, कभी कभी उसे भी हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद अब तक कई मामले ऐसे देखने को मिल चुके हैं जब मगरमच्छ ने जंगल के राजा शेर को भी अपना शिकार बना लिया। वैसे आपको इन सभी वीडियो क्लिप में से कौन सा वीडियो क्लिप सबसे बेहतरीन लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहती है।